नागौर थाना अंतर्गत सिद्धपुरा के पास चाकू से लैस आरोपियों ने हेयर कटिंग दुकान में घुसकर संचालक पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दुकान के काउंटर में रखे 15,000 रुपए की लूट करके फरार भी हो गए। चाकूबाजी की इस घटना में दुकान के मालिक कमलेश सेन सहित शैलेंद्र सेन और जयप्रकाश सेन भी घायल हुए हैं। दुकान संचालक ने बताया कि सुनील चौधरी शराब के नशे में उसकी दुकान पर पहुंचा और बाल काटने के लिए बोला, लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर आरोपी ने दुकान का शीशा फोड़ दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने घर से महेश चौधरी, सुधीर चौधरी, अर्चना चौधरी को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर चाकू लाठी डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। तो दारू पी के आया था, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं बनाना है, तो शीशा तोड़ फोड़ किया। और फिर थोड़े मतलब एक घंटे के करीब गया तो घर वालों को बुला लाया, जिसमें से महेश चौधरी, सुनील चौधरी और सुधीर चौधरी अपनी पत्नी को लेके आया है, जिसका नाम अर्चना चौधरी है, और आसपास पड़ोसी को लेके मारपीट किया। किस चीज से हमला किया? चाकू से, डंडे से, पत्थर से मारपीट। कई लोग को चोट आई है? 3 लोगों को। क्या नाम है घायलों के? शैलेंद्र कुमार सेन, कमलेश सेन, जयप्रकाश सेन। कहाँ के रहने वाले हैं ये? कमलेश सेन अमदारी के, मैं पापा जी वहाँ गुराटी के। दुकान कहाँ पे है आप? सिद्धपुरा में। ये पैसा भी कुछ लिए हैं क्या? हाँ, ईटर के लिए पैसा लेके आए थे 15,000 के करीब, तो काउंटर में रखे थे तो लेके चले गए। अच्छा, कितने लोग यहाँ रेफर किया जिला से? यहाँ सतना में अभी 2 लोगों को रेफर किया, एक थाने में। नाम बताइए दोनों के। कमलेश सेन और सलीम कुमार सेन। तुम्हारा सलीम नाम है? जी। जो चाकू से मारपीट किया उनके क्या नाम है? सुधीर चौधरी और सुनील चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहाँ गुराटी। थाना क्या लगता है? नवाद। ये घटना सिद्धपुरा में हुई है? हाँ, सिद्धपुरा मेन स्टैंड में, बस स्टैंड।